प्रधानमंत्री ने दुर्ग में चुनावी सभा को किया संबोधित, प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। जगदलपुर में राहुल गांधी की चुनावी सभा, भाजपा पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग के लिए मतदान दलों की रवानगी शुरू। और स्वीप कार्यक्रमों के तहत मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के हो रहे आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं काजल साहू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। उन्होंने दुर्ग में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले वर्ष 5 वर्ष के लिए और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने राज्य की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने शराब घोटाला, चावल घोटाला और महादेव ऐप घोटाले का जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 30% सरकार से छत्तीसगढ़ छुटकारा पाना चाहती है। कांग्रेस की हर घोषणा में 30% का खेल पक्का है, इसलिए 30% सरकार से छत्तीसगढ़ छुटकारा चाहता है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड में घोटालों की कमी नहीं है। अगर मैं भी बोलने जाऊंगा हर घोटाले की वर्णन, तो शायद मेरा अगला कार्यक्रम लेट हो जाएगा। 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 500 करोड़ रुपए का सीमेंट घोटाला, याद है ना? आपको याद है कि भूल गए हो? 5000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला, 1300 करोड़ रुपए का गोठान घोटाला, 700 करोड़ रुपए का डीएमएफ घोटाला, 500 करोड़ रुपए का चावल कस्टम मिलिंग घोटाला, सैकड़ों करोड़ रुपए का कोरोना केसेस का घोटाला। छत्तीसगढ़ को लूटने का कांग्रेस ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए दुर्ग संभाग के भाजपा कार्यकर्ता और मतदाता बड़ी संख्या में सभा स्थल पर पहुंचे थे, जिन्होंने केंद्र सरकार के कार्यों की प्रशंसा की। आप लोगों को संदेश दिया, मोदी जी ने हमें बहुत अच्छा संदेश दिया। यहाँ पे युवाओं को बेरोजगार है, हम लोग कांग्रेस सरकार पूरा भ्रष्टाचार, जैसे दारू शराब घोटाला, पीसी घोटाला बहुत सारे है, यहाँ पे अनगिनत है, युवा बेरोजगार घूम रही है। मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत फायदे की बात की है। इन लोग तो टुकड़े टुकड़े में पैसा देते हैं, टुकड़े टुकड़े में किसी को पैसा दोगे तो पूरे क्या? किसानों के लिए मोदी जी ने बोला 3100 रुपए देंगे हम लोग, और कर्ज मुक्त करेंगे, इससे हम लोग का क्या फायदा होगा? मोदी संकल्प योजना के तहत जो घोषणाएं हुई हैं छत्तीसगढ़ के लिए, ये सारी योजनाएं छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुआयामी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता गरीब कल्याण है। श्री मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल गरीबों के बीच जातिवाद का जहर घोलकर उनकी एकता को तोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जगदलपुर के लालबाग मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा आदिवासियों पर अत्याचार करती है, भाजपा नेताओं के आदिवासियों पर अत्याचार के वीडियो वायरल किए जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि जीएसटी से हिंदुस्तान बदलेगा। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमने जो किसानों का कर्ज माफ किया है, उन्हें धान का बोनस दिया है,
उससे उनको आर्थिक विकास हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ नहीं करेगी। मैंने अपने भाषणों में कहा था, पहली मीटिंग में छत्तीसगढ़ के किसान का कर्जा माफ होगा। भाई और बहनों, कुछ ही दिन पहले मैं खेत में गया, मैंने 2 घंटा धान काटा। वहां पे किसानों से मैंने पूछा, आम किसान से मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, आपका कर्जा माफ हुआ? मुझे कहते हैं, राहुल जी आप क्या कह रहे हो, मेरा कर्जा माफ हुआ जो मैं सपना भी नहीं देख सकता था। मैंने गाड़ी खरीदी है राहुल जी, गाड़ी, मोटरसाइकिल नहीं, मैंने गाड़ी खरीदी है। गौरतलब है कि राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान वे जगदलपुर के अलावा रायगढ़ के खरसिया विधानसभा में आम सभा को संबोधित करते हुए मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग के लिए मतदान दलों की रवानगी शुरू हो गई है। पहले चरण में नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के कोंटा विधानसभा क्षेत्र के लिए आगामी 7 नवंबर को मतदान होना है, जहां नक्सलियों के कोर इलाके के लिए मतदान दलों को आज हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया। सुकमा कलेक्टर हरीश एस ने बताया कि कुल 42 दलों को चुनाव के लिए रवाना होना है। आज और कल 2 दिनों तक इन दलों का मतदान केंद्र तक भेजा जाएगा। अभी जो हमारा जो मतदान दल है, जिसको रोड में नहीं जा सकते, नक्सल सेंसिटिव क्षेत्र है, उसको छापर के माध्यम से आज चालू हुआ है। सो 2 दिन का प्लान है, इसमें हमारा पूरा अंदर जो भी 42 दल जाने का है आज और कल। मतदान दलों को भेजने के लिए एयरफोर्स के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। सभी मतदान कर्मियों को सुरक्षा बलों के कैंपों में रखा जाएगा और 7 नवंबर को सभी अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रवाना होंगे और मतदान कराएंगे। मतदान दलों के रवाना होने के पहले अधिकारियों ने मतदान कर्मियों का हौसला बढ़ाया। कोंटा विधानसभा में 233 मतदान केंद्र है, जिनमें 7 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होना है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कांग्रेस गृह मंत्री के याचिका, आज हो ही बहस, चेयरमैन सेक्रेटरी के लयिका मन के चयन। बस अब आओ नहीं सही बो, बदल के रही बो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बस्तर की 12 सीटों पर पहले चरण का मतदान होगा। नक्सल बैनर पोस्टर और पर्चे बांटकर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस बल और जिला प्रशासन के सतत प्रयास से इस बार भयमुक्त मतदान का माहौल बन रहा है। मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन ने कार्य किया है। इस पर पेश है खास रिपोर्ट। लगातार बैनर पोस्टर बांध कर चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी दे रहे हैं। देर रात साप्ताहिक बाजार कोंटा से ग्रामीणों को लेकर लौट रही 2 टाटा मैजिक वाहन को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। बस्तर के 12 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका है कोंटा विधानसभा। इस बार नक्सलियों ने क्षेत्र के ग्राम पटेल व गायता को धमकी देकर चुनावी प्रक्रिया से दूर रहने को कहा है। दरअसल बांदे थाना क्षेत्र के ग्राम जनकपुर में नक्सलियों ने बड़ी संख्या में बैनर लगाए। नक्सलियों ने पहली बार गुब्बारे भी बांधे हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। पुलिस लगातार सर्चिंग कर गांव का दौरा करते हुए मतदाताओं को सुरक्षा का भरोसा देकर मतदान के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कुछ दिनों पहले सर्चिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली थी, जिसमें 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। जंगल पहाड़ को सर्च करते हुए आगे बढ़ रही थी, उसी समय कुछ लोग पुलिस को देखकर भागने लगे, छिपने लगे। पीछा करके उनको जो पकड़ा गया, पकड़ने के बाद
जब उनको जांच किया, पूछताछ किया गया, तो उनके पास से कुछ विस्फोटक सामग्री प्राप्त हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने से उन्होंने स्वीकार किया कि रावघाट एरिया कमेटी का सचिव मैन्यू नेगी जो है, ये सामग्री हम लोग को आईडी प्लांट करने के लिए दिया हुआ था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि नक्सलियों को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, इसलिए लगातार पर्चे फेंक कर ऐसी हरकत कर रहे हैं। ये निंदा की जाए कम है, वैसे भी नक्सलियों को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। लोकतंत्र प्रभावित करने के लिए वो पर्चा भी बांट रहे हैं और डरा धमका भी रहे हैं, तो ये तो निंदनीय है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना कंगाले का कहना है कि बस्तर में सुरक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। आजादी के बाद दुर्गम क्षेत्रों में ऐसे 126 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पहली बार वोटिंग होगी। इस बार 5,303 जो है मतदान केंद्र जो है वो कुल संख्या है, और पिछले बार ये संख्या लगभग 4,900 हुआ करती थी, तो 450 नए मतदान केंद्र बस्तर संभाग क्षेत्र में खोले गए हैं। इनमें से विशेष तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगी 126 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं, ऐसे गांवों में वो खोले गए हैं जो कि इंडिपेंडेंस के बाद जो है स्वतंत्रता के बाद पहली बार अपने ही गांव से वोटिंग कर पाएंगे, और ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि काफ़ी हद तक के जो सुरक्षा के इंतज़ाम हैं और जो वहां की कानून सुव्यवस्था है उसमें काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। नक्सलियों द्वारा अति संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार बैनर पोस्टर बांधकर लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस बल लगातार सक्रिय होकर नक्सलियों को करारा जवाब दे रहे हैं। यह पहला मौका है जब प्रदेश में नक्सली मोर्चा पूरी तरह फेल है और बस्तर के मतदाता निडर होकर। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग स्वीप कार्यक्रम के तहत इन दिनों मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई योजनाएं कर रही है। इसी के तहत बालोद जिले के मतदान को जागरूक करने के लिए महिला कमांडो की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। जिलेवार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में बालोद जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ी संस्कृति में सुवा नृत्य का विशेष महत्व है। बालोद जिले में महिला कमांडो की टीम लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए सुवा नृत्य कर रही है। इस दौरान नोडल अधिकारी रेणुका श्रीवास्तव और पद्मश्री शमशाद बेगम भी कार्यक्रम में शामिल हुई। रेणुका श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में मतदान का प्रतिशत 82 के करीब है तथा इसे और आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति का भी सहारा लिया जा रहा है। हमारे ज़िले में वैसे मतदान प्रतिशत बहुत अच्छा है, अभी 82 चल रहा है, और हम इसको चाह रहे हैं कि इस प्रकार हम 100% मतदान इस साल करवाएं, और इसके लिए हमने सभी वर्गों का सहयोग लिया है, खासकर महिलाएं जो कि डोर टू डोर संपर्क करके हर एक व्यक्ति को जागरूक कर रही हैं कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। वहीं शमशाद बेगम ने बताया कि जिले में महिला मतदाता की संख्या अधिक है और 100% मतदान के लिए महिला कमांडो जिले भर में लोगों को जागरूक कर रही है। बालोद जिले में 100% मतदान हो इसके लिए हमारी महिला कमांडो लगातार प्रयास कर रही है, और हमारे बालोद जिले में महिला मतदाता की संख्या अधिक है, तो विशेष रूप से महिलाओं को प्रेरित करना, युवाओं को प्रेरित करना, बुजुर्गों को प्रेरित करना, घर घर दस्तक देकर हमारी महिला कमांडो प्रयास कर रही है। बालोद में दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा, इस दौरान महिला कमांडो की टीम ने मतदान जागरूकता। अब कुछ खबरें जिलों से। राज्य की प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन ने आज राजभवन परिसर में फलदार वृक्ष आम का पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी पर्यावरण को बढ़ावा देने की अपील की और कहा है कि समय समय पर और खास मौकों पर वृक्षारोपण जरूर करें ताकि वो दिन यादगार बन जाए। विधानसभा चुनाव के पहले निर्वाचन आयोग जागरूकता अभियान चला रहा है। इसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट चौक से राजभवन चौक तक
दिव्यांगजनों और थर्ड जेंडर द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोगों ने आमजनों से मतदान की अपील की। इसमें कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, दक्षिण विधानसभा के प्रेक्षक डॉक्टर जी लक्ष्मी शाह, आरंग विधानसभा के प्रेक्षक मीर तारिक अली सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।